प्रदेश वासियों के लिए इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से सभी को रहना होगा अलर्ट और सावधान। जी हां, क्योंकि इन दिनों कोरोना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही ऑक्सीजन किट, वैक्सीनेशन, दवाइयां, कंज्यूमेबल्स आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही प्रदेश वासियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार के ज्यादा से ज्यादा अनुपालन की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने बैठक में भारत सरकार के निर्देश अनुसार कोरोना संक्रमितों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए। इसी बीच बता दें कि उन्होंने टेस्टिंग के लिए आरटीपीसीआर, ट्रूनॉट एवं एंटीजन किट की उपलब्धता तथा जरूरी दवाइयां एवं कंज्यूमेबल्स की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इसी बीच सभी जिलों में वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, आईसीयू और ऑक्सीजन की व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के साथ ही मॉक ड्रिल करने को कहा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलती रहेगी।